नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में AGM Glory G1 Pro वर्सेस Oppo Reno 8 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Glory G1 Pro में 6.88 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Glory G1 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Glory G1 Pro में 3.31 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Glory G1 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Glory G1 Pro में 0.69 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Glory G1 Pro में 370 ग्राम जबकि Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Glory G1 Pro में IPS LCD जबकि Reno 8 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Glory G1 Pro में 6.53 इंचेस जबकि Reno 8 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Glory G1 Pro में 1080x2340 और Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Glory G1 Pro में 70.96% जबकि Reno 8 Pro 5G में 90.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Glory G1 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Glory G1 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 8 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Glory G1 Pro में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 8 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Glory G1 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Reno 8 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Glory G1 Pro में Adreno 619 जबकि Reno 8 Pro 5G में Mali G610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Glory G1 Pro में Qualcomm Snapdragon 480 और Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो Glory G1 Pro में 8GB जबकि Reno 8 Pro 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Glory G1 Pro में अप टू 512GB जबकि Reno 8 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Glory G1 Pro में Android V11 जबकि Reno 8 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Glory G1 Pro में 6200 mAh जबकि Reno 8 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Glory G1 Pro में 1 कलर्स जबकि Reno 8 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Glory G1 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 74,500 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Reno 8 Pro 5G की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो AGM Glory G1 Pro में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 8 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Reno 8 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Reno 8 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Reno 8 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X70 Pro Plus है, दूसरा Sony Xperia 135G है, तीसरा Samsung Galaxy Z Flip 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 Ultra है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।